बस स्टेशन तक बैठे उसको पता ही नहीं पैरों में उल्टी लगी है। All right. What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Yeah, still we aren't over the fact that we were in a slay point video. अभी तक चेहरे पे स्माइल है दोनों के। All right, boys. So आज हम करने वाले हैं a stand-up comedy which is called Delhi Metro. Delhi Metro. I think stand-up करके बहुत time हो गया है। Yeah, after a very long time. I think hostel के बाद में now we are directly doing it. All right, guys. So as Akshata always says, if you haven't watched the original video, the link is given down in the description. Do go check it out. All right, boys and girls. Akash Gupta at Delhi Metro. Let's go. मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ना मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत घूमता हूँ। तो recently मेरे साथ पता क्या हुआ? मैं ट्रेन के अंदर था। ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे खोले। जैसे दरवाजे बंद होने वाले थे ना, बाहर से एक बुड्ढे अंकल भागते हैं और उन्होंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया मुझे, बेटे गुड़गांव जाएगी, गुड़गांव, अरे गुड़गांव, गुड़गांव, अरे निकल जाएगी यार, जल्दी बताओ गुड़गांव, गुड़गांव। मैं हाँ यार। ट्रेन नोएडा जा रही थी। वो अंकल ने तेरा प्रेशर बनाया, मैं मना ही नहीं कर पाया। I know that these are like different location, लेकिन we stay in Mumbai, so मेरे को पता नहीं कि like what direction geographically we don't know. हाँ कि नोएडा कहाँ पे और गुड़गांव कहाँ पे, but I suppose it's like in a different direction. मैंने कहा इनको दो घंटा उल्टा भेज देते हैं, ठीक है? मैंने कहा यही हार्ट अटैक है, यही मरवरा जाएंगे ये, क्योंकि rejection सह नहीं पाएंगे जिस तरह का attitude मुझे दिखा रहे हैं अंकल। ना सुनने के मूड में आए नहीं थे वो अंकल। वो थोड़ा और गुड़गांव गुड़गांव करते ना, लोगों ने निकल जाता, अंकल नोएडा जा रही है, पर आप ले जाओ गुड़गांव यार। आपका कष्ट नहीं देखा यार हमसे, प्लीज इतना प्रेशर मत डालो यार। आई एम लाइक उस टाइम वो कुछ भी बोलते, मैं हाँ बोल देता यार। सुनो मेरी बेटी शादी करोगे? मांग ली क्या? मांग ली, हाँ अंकल। शनि मेरा भी भारी है, दोनों मिलकर मनुष्यत्व फैलाएंगे। पावर ऑफ पीयर प्रेशर नहीं करेंगे अंकल। फिर मैं ट्रेन के अंदर घुसा तो ट्रेन में ना किसी ने उल्टी कर रखी थी। एओ एग्जैक्टली मेरा भी यही रिएक्शन था कि क्यों, मतलब आई हाय यार। एक तो ना जो लोग ये मेट्रो में उल्टियाँ कर देते हैं ना, मेरे को ये संसार के सबसे ज़्यादा सेल्फिश और मीन लोग लगते हैं। आप एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उल्टी कैसे कर सकते हो जिसके दरवाजे हर 3 मिनट में खुलते हैं? क्योंकि जब आपको उल्टी आती है आपको 10 मिनट पहले पता चल जाता है, लेकिन आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है या आपको फील होने लग जाता है ना। ऐसे तो किसी को उल्टी नहीं है ना, कोई दिल्ली मेट्रो में घूम रहा है, भाई साहब काफी ठंड हो गया दिल्ली में आजकल, हाँ मैं करोल भाग जा रहा, एक सेकंड सॉरी झटके से आती है, पता नहीं चलता मुझे। क्या कहते हैं, हाँ करोल भाग में मेरा ना दुकान का एक खत्म नहीं हुई है। लाइक इंसान को छींक आती है तो भी 5 सेकंड पहले जाता है। इनको एक एक लीटर उल्टी आ रही है, इनको हिंट नहीं आ रहा जाना चाहिए। इन्होंने चैलेंज ले लिया, 1 लीटर इतना रोक लेंगे, इतना कर लेते हैं दिल्ली वाले, 1 लीटर जहाँ तक आने का वेट करेंगे, यहाँ तक। नॉर्मल अल्टीमेट वेंचर नहीं है ना यार, जब तक मुंह में 2 बूंदे नहीं आती मजा नहीं आता ना। आई थिंक नॉट, आई नो इट्स ग्रॉस बट आई लाइक इट। मैं जब भी जोक करता हूँ सारी ऑडियंस आई है छी छी शुरू कर देती है, जिसमें से मोस्टली होती है लड़कियाँ। आई टेल यू व्हाई, लड़कियों की विजुअलाइजेशन पावर ही कुछ और होती है। आई वाज एक्चुअली विजुअलाइजिंग। आप उल्टी बोलो इनको टेस्ट आ जाता है। ये देखो आ गया, सबको आ गया। मेरी फ्रेंड है, उसके सामने बोल दो उल्टी करी, आए हाय मेरे सामने उल्टी मत बोल, मुझे आ ही जाएगी। ये कौन सी पावर था तुझे? तुझे उल्टी सुनने से उल्टी आ जाती है? मुझे उल्टी करने के लिए बस को मनाली ले जाके घुमाना पड़ता है, टकीला में वोट का मिला के पीनी पड़ती है, तो मेरा उल्टी का माहौल बनता है। तुझे उल्टी सुनने से उल्टी आ जाती है, ठीक है फिर हॉर्नी हो जा। आई वेल प्लेड माय बॉय, वेल प्लेड। फिर ये लोग क्या करते हैं, उल्टी वाले ना उल्टी करते अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। प्लीज डोंट, हाउ इज दिस गोइंग सो फार? It's very funny, but like, yeah, it is very true that, you know, every time he's saying ulti, like, I'm getting that gag reflex. You're like, थोड़ा भी ऐसा कुछ ऐसा like disgusting, if it's there, Akshata will please don't. Okay. I hope he doesn't say ulti for like more than 10 seconds now. देखते हैं।
अब अंदर बैठे सबका मूड खराब हो गया और बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, आपके सामने उल्टी करे तो मूड ही खराब होगा ना। लेकिन सब दिल्ली गुड़गांव नोएडा के हरामी लोग दे लाइक हमारा मूड खराब हुआ हम सबका करेंगे। तो वो प्लान बनाते हैं, हम किसी को बताएंगे नहीं यहाँ क्या हो रखा है। और उस उल्टी के ऊपर हमेशा एक सीट खाली होती है। तो जब अगला स्टेशन आता है ना, जो लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको तो नहीं पता अंदर उल्टी हो रखी है। जैसे ट्रेन आती है ना, उनकी खाली सीट पे नजर पड़ती है ना, आंखें फट जाती हैं। खाली सीट 10 साल से नहीं देखी मेट्रो में खाली सीट यार, मैंने आप तो मजे आ जाएगा बैठ के जाएंगे यार। वो डेस्टिनेशन में इतना बह जाते हैं कि वहां तक की जर्नी नहीं देख पाते कि क्या पार करके जाना है आपको। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो अंदर बैठे होते हैं खुश हो जाते हैं। हंसना मत आ रहा है, देख आंटी के साथ गिरेगा। समर सॉल्ट। और दिल्ली में लोग सीट के इतने भूखे उल्टियां पार करके चले जाते, पता भी नहीं चलता अरे भाई सीट आ रहा है। अरे व्हाट, ही जस्ट सेइंग उल्टी टू मेनी टाइम्स। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा चलते रहा तो ये H2 लाइव रिएक्शन चैनल कैसा चलेगा? Actually imagining, no, that like people are like slipping on the ulti. And like the liquid is like. Oh my god. No, don't. अच्छा तो आपको परेशान करने में इतना मजा आता है ना मेरे को। I might actually puke. Huh? You'll have to like keep like. Don't. I am loving this. Video is funny and Akshata is funny. What else do you need? Jindagi safar. I don't think we have paused a video so many times ever. Sweating and plus aankhon mein se pani aa raha hai. Because she went like this. You did right? मुझे ऐसा लगा कि हेडफोन में से मेरे को थोड़ी आवाज सुनाई दी एंड देन एक्चुअली देखा तो अक्षय ने हेडफोन निकाल लिए। ओके दिस इज गोइंग टू बी फन। पता भी नहीं रहा कि भाई साहब लगी एंजॉय कर रहे पैर उल्टी गुट्टे के पैर उल्टी। परसों मैंने ना कपल देखा मेट्रो में दिल्ली में, ये वो कुछ लड़के नहीं होते जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके एक्स्ट्रा पोजेसिव होते। ओके आई थिंक द उल्टी टॉपिक इज ओवर, खत्म हो गया यार। थैंक गॉड नाउ आई कैन वॉच इन पीस। कि इसको प्रोटेक्ट करना सिर्फ मेरा काम। ना दुनिया में कोई ना ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसको सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट कर रहा हूं। बिना बात के बाउंसर के कैरेक्टर में घूमता रहता है ना ऐसे ऐसे। उसकी मेट्रो में एंट्री भी ऐसे ही, दरवाजा खुले टिंग टिंग। आ जा, स्कैन ले लिया मैंने। एक दिन बड़ा सही हुआ, एक बंदा घुसा अंदर मेट्रो में, स्कैन ले रहा था, पीछे दरवाजे बंद हो गए। फोन नेक्स्ट स्टेशन। ये क्या करता है फिर ना, बंदी को दरवाजे पे खड़ा करता है और उसके अराउंड ना फोर्ट्रेस बना के खड़ा हो जाता है, पूरा वेट देके दरवाजे पे, कोई घूर ना ले मेरी बंदी को जान से मार दूंगा। बहुत कुत्ती चीज हूँ मैं। ये इतने कैरेक्टर में तो यही भूल जाते हैं अगले स्टेशन पे यही दरवाजा खुलने वाला है। हम बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब गिर जाओगे, लगभग आ जाएगी, लेकिन इतना इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर सबकी फटी पड़ी है। तो ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई कि यात्री कृपया ध्यान दें, अगले स्टेशन पे दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। एंड वे लाइक भूतनी के सुन ले, तेरे लिए हो रही है अनाउंसमेंट। प्रोटीन के डब्बे खा के 250 किलो का हो गया है, बंदी 40 किलो की दब के मर जाएगी रेंज से। ICU में हनीमून मना रहे होंगे। हेलो पैसा, हेलो। कुछ बड़े कंजर्वेटिव कपल्स होते हो, क्या करते हैं अपनी बंदी को ना मेट्रो के लेडीज कोच में भेजते, खुद सेकेंड कोच में जाता है और दोनों डब्बों के इंटरसेक्शन पर मिलते हैं। वो एक मेट्रो का हिस्सा ऐसे से नहीं रहता जो हमेशा। भाई साहब इनका रोमांस यहीं तक सीमित रहता है, बड़े दिन हो गए बेबी, क्या करना है आज? गोलगप्पे पे खाओगी हाँ या ना बोल रहे, क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक कपल मैंने देखा था, ओ हो, वो तो मतलब वो फुली वो कपल ही नहीं होते जो
लगे पड़े हैं एक दूसरे में यार, कोजी कोजी एकदम, मतलब उनके रोमांस से मेट्रो में स्टीम बन रही है, उस शीशों पे होश जंगी है। मैंने भी हाथ लिया ऐसे टाइटैनिक कर दिया, मुझे लगा ही था ये जो खाने वाला बुड्ढे अंकल है तब से इनको घूर के जज कर रहे होते हैं। गलत बात है यार, हमें तो कमरे में करने में शर्म आ जाती है यार। तो मेरे में घुसी जा रहे थे, एक पप्पी तो मेरे कंधे पे दे गया लड़का। फिर रैंडम लोगों को डिबेट बुलाते हैं, भाई साहब इधर आइए, आप भी फ्री खड़े हैं, ये मिलके बच्चों को जज करते हैं। देखा आपने क्या करते, कितनी गलत बात है। दिल्ली हाँ बहुत गलत बात है यार, रोज आधा घंटे करते हैं, आज 15 मिनट में उतर गए। हमने तो आगे तक का टोकन कटवाया हुआ है ना। कह रहे अंकल आप क्यों नाराज हो रहे हो। कह रहे यार मुझे गुड़गांव जाना था, किसी नोएडा की ट्रेन में बिठा रखा है। ऑल राइट, I liked how he started and ended it with the same uncle, Gurgaon wala uncle. That is what usually comedians do. Unka jo act rehta hai, uska first part and the last part, they usually mix it together so that people can get that punchline. This was amazing, okay? Yes, it was so funny. I think it would be more funny agar Akshata actual mein... I'm not going to puke on camera. I know, I was just joking, okay? I'm joking. So what was that? Why did you go in the middle of the reaction? Because I was I actually ek to shoes. You know how much I like shoes. Aur us pe ulte it's like okay. This was amazing, man. This guy has amazing sense of humor. I absolutely loved it. Aur I hope ki hum log iske aage bhi aur videos we can see. Suggest more videos by Akash Gupta. Yes, cause we absolutely loved it. Uska jo performance tha, it was, you know, very confident. Yeah. The delivery was awesome. And I think the main point when you know that a comedian is good or no is when the audience, how much the audience is enjoying. Reacts, yeah. Yeah, so aur is case mein to bahut hi tha. I liked how easily he was switching between the characters. Like, you know, it's a... Like, he's playing both the parts, yeah, yeah, but like... The characters in his story. Yeah. Alright guys, so I think this will be it for today. Yes. I hope you guys enjoyed the reaction. I am 110% sure that you guys enjoyed the reaction. You laughed as much as we did. I just hope that you didn't do it. What did you do? No. I did already. No, once. No, neat. It has to come naturally, doesn't it? Alright, so thank you very much and we'll see you guys in the next one.